वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, बच्चों की खास फेवरेट होने वाली है। बच्चों की आप टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम के स्नैक्स में उनको सर्व करके दे सकते हैं। ये हैं पोटैटो स्माइलीज, जैसे कि हम मकिन्स लाते हैं बाज़ार से, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग आधा किलो आलू और उनको लिया है मैंने उबाल। बॉयल्ड आलू को मैंने यहाँ पे पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है। चाहें तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं रहने चाहिए। जैसे आपको इजीली लगे बिल्कुल वैसे ही आप इसको मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैश कर लिए हैं और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच सूजी। सूजी डालने से ये होगा कि जो आलू का मॉइस्चर है वो बिल्कुल सूजी सोख लेगी और हमारे आलू बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और चिपचिपे नहीं रहेंगे। सूजी डालने से थोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे हमारे स्माइलीज और हम काफ़ी लंबे टाइम तक इनको स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सूजी मिक्स कर ली है 2 से 3 चम्मच और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डाल करके हम इसको अच्छे से गूंध लेंगे और आलू का मिक्सर तैयार कर लेंगे। बच्चों के लिए अक्सर हमारे को प्रॉब्लम रहती है कि रोज़ शाम को उनको क्या सर्व किया जाए या उनके टिफ़िन बॉक्स में क्या क्या वेराइटीज़ चेंज करके दी जाए। यहाँ पर मैंने ऐड किया है स्वाद अनुसार नमक। छोटे बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो इसमें मैं केवल नमक ही ऐड कर रही हूँ, जैसे कि बाज़ार के मकिन्स में होता है। और एक सेकंड ऑप्शन भी बताऊँगी जिसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गून के देखा तो थोड़ा सा हमारा आलू का मिक्सचर चिपचिपा है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और ऐड किया है। अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है मिक्सचर। यहाँ पर मैंने ली है एक बड़ी सी ट्रे या जो भी आपकी किचन की स्लैब हो, वहाँ पर आप डस्ट कर लीजिए कॉर्नफ्लावर। और जो हमारा आलू का बैटर तैयार हुआ है वो यहाँ पे हम हाथ में ऑयल लेकर के अच्छे से फैला लेंगे हाथ की सहायता से ही। थोड़ा सा मैंने इसको ऑयलिंग कर लिए जिससे हमारे हाथों पर ये चिपकेगा नहीं और इसको हम यहाँ पर अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है और यहाँ पर हम लेंगे या तो कोई आपके पास कटर हो या बॉटल का ढक्कन हो, जो भी आप चाहें उससे आप यहाँ पे गोल गोल राउंड्स इसके काटेंगे। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वाटर बॉटल का ढक्कन, छोटा बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो आप वो शेप का ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के इसके ऊपर अच्छे से बराबर फैला लिया जिससे ये उंगलियों के निशान ना आए और बिल्कुल इसको स्मूथली फैला लिया है। अब यहाँ पर मैं लूँगी बॉटल का ढक्कन और इसके काटूँगी गोल गोल शेप्स स्माइलीज के। बिल्कुल आसान है ये बच्चों के लिए स्नैक्स बनाना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरे चैनल के पेज पर अवेलेबल हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट करिएगा। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचता रहे। बॉटल के ढक्कन से देखिए मैंने इस तरीके से ये गोल गोल राउंड्स काट लिए हैं। बाकी बचा हुआ बैटर भी दोबारा मिक्स कर लेंगे और दोबारा वही प्रोसीजर सेम करेंगे। अब यहाँ पर ये तो मैंने पहले मिक्स करे छोटे बच्चों के लिए केवल नमक वाले। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाला और ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और आप चाहें तो इसमें सूखी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं या हरा धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने ऐड करी है लाल मिर्च और इसको दोबारा से इकट्ठा कर लिया है आलू के बैटर को। वैसे ही सेम फैला करके हम वही प्रोसीजर सेम रिपीट करेंगे। हाथ में हल्का सा ऑयल या बटर लेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। नीचे हम डस्ट करेंगे कॉर्नफ्लावर जिससे ये नीचे तले पर चिपके नहीं और अच्छे से फैला करके और हम वही सेम ढक्कन से या किसी कटर से गोल गोल इसके राउंड्स काटेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, आपके फीडबैक का मुझे वेट रहेगा। आलू से बने हुए और पोहे से बने हुए काफ़ी कटलेट, ओट्स से बने हुए कबाब मेरे चैनल के पेज पर अवेलेबल हैं, प्लीज़ आप उनको देखिएगा और बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं हमारे गोल गोल राउंड आलू के ये स्माइलीज। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी इनके स्माइलीज वाले फेस, क्योंकि वो तो ज़रूरी हैं, उन्हीं को देख करके तो बच्चे खुश होंगे और सबसे पहले उछल के इनको खाने की ज़िद करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पेन, पेंसिल, पेन, स्ट्रॉ, आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे हम बनाएंगे इनकी 2 आइज। और अब हम बनाएंगे स्पून की हेल्प से स्माइल। फेस पर स्माइल होगी तो बड़ा मज़ा आएगा और बच्चे भी खिलखिला के हंसेंगे, खुश रहेंगे, इस स्नैक को खाने की जिद करेंगे। बनाना भी बड़ा इजी है, मिनटों में चीज़ तैयार है और बच्चे भी खुश। थोड़ा सा मसाला डाल लेंगे तो बड़े भी ट्राई कर सकते हैं और खुशी से खा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारे तैयार कर लेने हैं।
हमारे स्माइलीज वाले फेस, और हम तैयारी करेंगे अब इनको डीप फ्राई करने की। आप चाहें तो इस पर हल्का सा ऑयल लगा के इसको ऑक्सी फ्रायर एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जिप लॉक वाले पैकेट में रख के फ्रीज़र में रख सकते हैं और काफ़ी दिनों तक स्टोर करके कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख लीजिए, जब भी आपका मन करे 10 मिनट पहले निकाल लीजिए और इसको डीप फ्राई कर लीजिए। बच्चों को जब भी खिलाने का मन हो या उनके टिफ़िन में देना हो, आप कभी भी निकालिए और तैयार करके दीजिए। यहाँ पर मैं अभी हाथ के हाथ तैयार कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई में तेल, और इसको हाई फ्लेम पे हमने गरम करना है और धीरे धीरे इसमें डाल देना है हमारे स्माइलीज, और एकदम से इनको नहीं पलटना, थोड़ा से फ्लोट होके ऊपर आएंगे तब हम इनको पलटेंगे। बस इसी तरीके से हमने इनको अलट पलट करके अच्छे से सेक लेना है, और हमारे तैयार हो जाएंगे स्माइलीज कुछ ही मिनटों में। बच्चों को भी पसंद आएंगे और बड़ों को भी। घर में कोई आए उनके सामने भी आप सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की कुछ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़, तो मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं आपके लिए आगे और कौन सी वीडियोस लेके आऊँ। हम कर देंगे फ्लेम हमारी लो टू मीडियम, जिससे इसका अच्छा गोल्डन सुनहरा कलर आ जाए और ये अंदर से कच्चे भी ना रहें। टाइम टू टाइम इनको हम फ्लिप करते रहेंगे, पलटते रहेंगे और निकाल लेंगे पेपर पर बाहर प्लेट में। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर अपना सेकेंड बैच भी तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और कैसी बनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।